नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल से एनर्जी स्वराज यात्रा को रवाना कर दिया है। ये यात्रा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे डॉक्टर चेतन सोलंकी ने की है। इस यात्रा के जरिए डॉक्टर सोलंकी 11 सालों तक परिवार से दूर रह करके सोलर एनर्जी के प्रति लोगों को जागरूक उन्होंने किया है। भोपाल के मिंटो हॉल में इससे लेकर के प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान सोलर एनर्जी की बारीकियों को भी समझा। हमारी धरती को और धरती पर मानव मात्र और प्राणी मात्र के अस्तित्व को बचाने का काम करेगी। इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी पूरा जीवन दे दिया मानवता की और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, पूरी मानवता की और प्राणी मात्र की सेवा के लिए। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूअल एनर्जी के क्षेत्र में, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वो मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ये भी मैंने तय किया है। और वो जो काम कर रहे हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा प्योर है, श्योर है और सिक्योर है, प्रधानमंत्री जी भी। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार बस्तर की पुलिस की आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बस्तर संभाग के पुलिस आला अधिकारियों के साथ ही सीआरपीएफ के अधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन सेंटर में समीक्षा बैठक होगी। बता दें कि नक्सल विरोधी अभियान को लेकर के निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल ही बीजापुर और सुकमा का दौरा कर चुके हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। दो पॉइंट, दो मुद्दे हम फोकस करते हैं। एक तो सिक्योरिटी, दूसरा डेवलपमेंट। एक हमेशा एक साथ ही जा सकते हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग मार्ग नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर साहिबान से भी बात किया, खास करके बीजापुर और सुकमा में, और यहाँ स्टॉपेज पॉइंट हमारे साथ सारे सीनियर ऑफिसर से डीजीसीआर और यहाँ का स्पेशल डी जी जुनेजा अशोक, तो हम पूरा असेस करने के लिए कैसे चल रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा स्थिति अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बहुत तालमेल बहुत ठीक है और भी बढ़ाने के। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 28 जिलों में संविधान दिवस के मौके पर संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बलौदा बाजार कलेक्टर कार्यालय प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिलाध्यक्ष रमेश नेगी की अगुवाई में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। बता दें कि तत्पश्चात समस्त विभाग के पेंशन विहीन कर्मचारियों की तरफ से संविधान बचाओ का संकल्प लेते हुए संकल्प दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ जिला इकाई बड़ौदा बाजार के द्वारा संविधान दिवस में संविधान के साथ साथ हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना का कार्य संपन्न करके संविधान दिवस के दिन NPS भगाओ संविधान बचाओ का हमने संकल्प लिया। आज हम सभी पेंशन विहीन कर्मचारी, जिले के समस्त पेंशन विहीन कर्मचारी यहां पर एकत्रित हुए। इसमें शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, CSEB सहित अन्य विभाग के कर्मचारी रहे और हम सब उपस्थित होकर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किए और वाचन करने के पश्चात में हम सभी एक जोर पर एक संकल्प लेते हुए हमने संविधान बचाओ NPS भगाओ का मुहिम, हमने आज संकल्प दिवस का एक आयोजन किया, जिसके तहत हम सभी पेंशन विहीन कर्मचारी 1 नवंबर 2004 से जो हमारी पेंशन सुविधा बंद है, समस्त कर्मचारियों को पेंशन प्रदान नहीं किया जा रहा है 2004 से, उस मुहिम से जुड़कर हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष करने के लिए आज हमने आह्वान किया। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस की आज वहां पर इस चीज का आयोजन किया गया और तमो पूरा कार्यक्रम किया गया। मुकेश जी, मैम यहां पे बलौदा बाजार में छत्तीसगढ़ अंशदायी कर्मचारी कल्याण संघ के कर्मचारियों द्वारा संविधान बचाओ NPS भगाओ का संकल्प लेते हुए संविधान दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के लिए मुकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे।
ज्यादा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए। और अगली खबर कोरिया के छत्तीसगढ़ से, जहां प्रदेश में सत्ताधीश होने का रौब। कोरिया में युवा कांग्रेसियों ने बखूबी दिखाया। अपनी पार्टी के दो बड़े नेताओं के निधन के बाद भी युवा कांग्रेस ने, आपको बता दें युवा कांग्रेस ने कार्यक्रम आयोजित किया और कार्यक्रम में नियमों को धत्ता बताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि नगर पालिका के सांस्कृतिक भवन मानिंद्रगढ़ में बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित हुआ और ना ही नगर पालिका को भवन का किराया दिया गया। खुद से सांस्कृतिक भवन का ताला खोल करके नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ के सांस्कृतिक भवन में कार्यक्रम युवा सांसद नाम से कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संतोष कोलकुंडा, प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी समेत AICC सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव मौजूद रहे। पूर्व में निर्धारित था कि आज के दिन हम यहाँ युवा संवाद सम्मेलन का कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन सुबह हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया, तो इसीलिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा के साथ युवा संवाद का कार्यक्रम था। कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखी, संगठन को और सरकार के बारे में, आगामी हमारे क्या रणनीति है उसके बारे में चर्चा की। ये तो हमारे जिला अध्यक्ष बता पाएंगे और यहाँ की कमेटी बता पाएगी कैसे बिना परमिशन और बिना उसके कार्य हुआ, ये मुझे पता नहीं। और वहीं आज़ादी के 70 साल होने के बावजूद आज भी आम जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। एक ऐसा ही ताज़ा मामला कोयली बेड़ा के पंखाजो तहसील अंतर्गत ग्राम कंदाड़ी पंचायत से है, जहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कहने को सरकार सुविधाओं के लिए कितने ही दावे कर ले, लेकिन ये सभी दावे कोयली बेड़ा गांव में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता ना होने के कारण पीड़ित महिला को खटिया पर लाद करके नदी पार करके अस्पताल में लाया गया है। साथ ही कहा है कि मरीजों को एम्बुलेंस में ले जाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है, जिसको लेकर के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का आपको बता दें सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसको सर डिलीवर होने नहीं सकते, डिलीवर होने का समस्या है। कब से? कल से मान के चल आज तक दो दिन हो रहा है, एक रात हुआ है, कल से 4 बजे से शुरू है। तो डॉक्टर रहने से हम लोग डॉक्टर को दिखा था, डॉक्टर नहीं है हमारे इधर। क्या है नदी का कारण में पुजारी लोगों को दिखाना पड़ता है। तो डॉक्टर का मितानिन तरफ से कोई खबर किया है? मितानिन को बोले हैं, वो आके गोली उली दिया है। उतना बड़ा गोली तो उसके पास नहीं रहता है, हल्का फुल्का रहता है, लेकिन वो क्या है उसका पास अच्छा दवाई रहने से। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में चोरों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां क्षेत्र में आए दिन चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर के पुलिस ने चोरी में मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र साहू और अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से समर्सिबल मोटर पंप, केबल की तार, कंप्यूटर, बाइक बरामद की गई है, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख बताई जा रही है। बता दें कि चोर खेतों में लगे ट्यूबवेल से मोटर निकाल करके बेचने के फिराक में थे, जहां मौके पर ही पुलिस ने घेराबंदी कर चोरों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक मोटरसाइकिल, 2 मोटर पंप और 2 नग कंप्यूटर, लगभग 70,000 का रिकवर किया गया था, जिनको रिमांड पर भेजा गया था। इसी कड़ी में आज पुनः जो है 2 आरोपी को रिमांड पर भेजा जा रहा है, वीरेंद्र साहू और धर्मेंद्र साहू। इसमें से धर्मेंद्र साहू मुख्य आरोपी है और बाकी सब सहयोगी हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ये रहता था कि मोटर पंप की चोरी करना और उसको
और वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर में बीपीएल परिवारों के घरों में बांटने के लिए शासन स्तर से भेजे गए चने की बोरियां खोली गई तो उसमें से चने के साथ कीड़े निकले। कीड़े लगने से चना पूरी तरह से खराब हो चुका था। चना बांटने के लिए बिना जांच के ही अफसरों ने इसे उचित मूल्य दुकानों पर सप्लाई कर दिया। बीपीएल परिवार को सस्ते चावल के साथ सरकार प्रति किलो 10 रुपए की दर पर 2 किलो चना दे रही है। शासन ने चने की सप्लाई के लिए विनोद कुमार जैन एग्रो एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड फर्म को दी है। वहीं इस महीने कई पंचायतों में फफूंद लगे खराब चने सप्लाई किए गए हैं। वहीं इस मामले में कुनकुरी एसडीएम रवि राही ने बताया कि जिस पंचायत में चना खराब आया है उसे बदल कर अच्छा चना देने का आदेश दे दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने आम जनता को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए जन जागरूकता के तहत साइबर संगवारी सेवा शुरू की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखा करके साइबर संगवारी वाहनों को रवाना किया। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित रहे। गृह विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच, पंच, शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मितानिन बीट आरक्षक के माध्यम से ग्रामीणों को ऑनलाइन फर्जीवाड़ा से बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। साइबर संगवारी के माध्यम से आम जनता को बताया जाएगा कि अपने एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर किसी को ना बताएं, मोबाइल पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड को भी किसी से ना शेयर करें, मोबाइल कंप्यूटर पर आने वाले किसी अनचाहे लिंक को क्लिक ना करें, एटीएम मशीन का प्रयोग करते समय किसी अजनबी की सहायता ना लें, ऑनलाइन खरीदी बिक्री के समय बिना जान पहचान के रकम का लेन देन ना करें। साइबर संगवारी के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किसी अजनबी से सोशल साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर दोस्ती ना करें। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ के भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र छावनी के एक कंपनी में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक एक केमिकल कंपनी में आग लगी है। आग का काला धुआं 5 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने के काम में लग गई है। कंपनी का उत्कल हाइड्रोकार्बन्स बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि टैबलेटिंग सेक्शन में आग लगी थी जहां डामर के टैबलेट बनाए जाते हैं। करीब 1 बजे के आसपास कंपनी में आग लगी थी। उस दौरान कंपनी में कर्मचारी काम कर रहे थे। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
और वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के फुनगा चौकी क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल बुधवार की रात सड़क पर खड़े ट्रैक्टर की ट्रॉली से जा भिड़ी। इस घटना में मोटरसाइकिल में सवार तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फुनगा चौकी से करीब 8 किलोमीटर दूर अमलाई और पयारी गांव के बीच लोक निर्माण विभाग की सड़क में यह हादसा हुआ। हादसे में जान गंवाने वालों के नाम गोविंद उर्फ हेमंत, पिता रामकरण सिंह 17 वर्ष निवासी ग्राम दैखल आदित्य, पिता रमेश सिंह परस्य 18 वर्ष निवासी ग्राम दैखल और रामनाथ पिता पुरुषोत्तम सिंह 25 वर्ष निवासी ग्राम देवरी। ये घटना बुधवार रात 8 बजे की है। फुगना पुलिस ने बताया कि मृतक रामनाथ जो ग्राम पंचायत देवरी के बंधवा टोला का निवासी है, वो ग्राम दैखल में अपने रिश्तेदार के यहाँ पिछले 4 दिन से रुका हुआ था। और वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवानों को बड़ी सफलता मिली, जहां जवानों ने कोंडासावली बुद्धि पारा मार्ग से 7 किलोग्राम का जिंदा आईडी बम बरामद किया। बता दें कि जवान सुरक्षा देने और गश्त पर निकले थे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बम लगाया गया था। और हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ताज़ा अपडेट है, कोई हताहत तो नहीं हुआ है? हालांकि बड़ी कामयाबी मिली है कि 7 किलो का जिंदा आईडी बम जब्त कर लिया गया है। सीआरपीएफ जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 7 किलोग्राम का जिंदा आईडी बम जब्त किया गया है। सुरक्षा देने और गश्त पर निकले थे जवान और उसी दौरान यह आईडी बम जब्त किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कोरोना संक्रमित मरीज ने एम्स की 4th मंजिल से कूद करके खुदकुशी कर ली। मरीज की स्थिति ठीक थी और 2-3 दिन में ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी होने वाला था। उसकी खुदकुशी करने का कारण अभी पता नहीं चल पाया। घटना अमानका थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित ने जान दे दी है। एम्स की 4th मंजिल से कूद करके जान दी है। रायपुर छत्तीसगढ़ की वारदात है और कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज होने वाला था ये पेशेंट, लेकिन मायूस होकर के या किसी और वजह से उसने आखिरकार 4th मंजिल से कूद करके अपने जान दे दी। और मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार 5वें दिन शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 500 के पार चला गया है। बुधवार को कोरोना संदिग्ध 4,954 मरीजों के सैंपल जांचे गए थे, जिनमें से 572 नए मरीज मिले। 3 मरीजों की मौत की पुष्टि भी की गई। कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 746 पर पहुंच गई थी। कोरोना बुलेटिन के अनुसार अब तक लाखों सैंपलों की जांच की गई, इसमें से 39,966 पॉजिटिव पाए गए। इसके पहले भी लगातार 4 दिनों से इंदौर में रोज 500 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट कॉलेज आगामी 1 दिसंबर से फिर से खुल जाएंगे। क्लास के प्रोफेसरों समेत विद्यार्थियों को भी उपस्थित होना होगा। कोरोना के संक्रमण के कारण पिछले 8 महीनों से प्रदेश समेत देशभर में कॉलेज बंद थे। अब कॉलेज खोलने का निर्णय उच्च शिक्षा विभाग ने लिया है। जानकारी के मुताबिक कॉलेजों में विद्यार्थियों के शिक्षण के साथ साथ सभी की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की यूजी और पीजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए अंतिम दौर की प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जा चुकी है।
और वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में संचालित 47 गैस एजेंसियों की जांच पहली बार जिला प्रशासन खाद्य और नापतोल विभाग के अमले ने संयुक्त रूप से की है। जांच में 14 गैस एजेंसियों के गोदाम आबादी क्षेत्र में मिले हैं। इनमें से 5 एजेंसियों के गैस गोदाम तो लाल घाटी में गुफा मंदिर क्षेत्र में ही बने हैं। वहीं जिले के शहरी क्षेत्र की लाखों की आबादी का प्रभावित होना तय है। इधर 47 में से 27 गैस एजेंसियों के गोदाम आबादी क्षेत्र से दूर मिले हैं। इसमें कोलार, बैरसिया और हुजूर के ग्रामीण क्षेत्र के करीब 15 गैस एजेंसियां शामिल हैं। इसके चलते शहर में इन एजेंसियों के गोदामों को शिफ्ट करने के लिए सरकारी जमीन तलाशी जा रही है। बताया जा रहा है कि रातीबड़ क्षेत्र में इन गैस एजेंसियों को शिफ्ट किया जाएगा। ये जमीन प्रीमियम और भू भाटक जमा कराकर सरकार द्वारा लीज पर गैस एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी। शहर में के अंदर ही ये 14 गैस एजेंसियां हैं जो कि खतरे को दावत देती हैं। आपको बता दें कि इस तरीके की ये शहर के अंदर इस तरीके की गैस एजेंसियों का होना शहरवासियों के लिए खतरे को निमंत्रण देने जैसा है। और शहर से बाहर होंगी ये 14 गैस एजेंसियां ताकि किसी भी तरीके का खतरा देश, आपको बता दें, शहरवासियों के ऊपर ना मंडराए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।